हमारा क्या था? दर्पण का ध्रुव था। दर्पण के ध्रुव के बाद दूसरा हमारा वक्रता केंद्र था, तीसरा वक्रता त्रिज्या था, और चौथा क्या था? मुख्य अक्ष। ऐसा था ना भाई? यानी एक एक करके मैंने पूरा डिटेल्स दिया। दोबारा सुन लो, मैंने किसका किसका डिटेल्स दे दिया इससे पहले की क्लास में? गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा में मैंने सबसे पहले डेफिनेशन किसका दिया था? दर्पण का ध्रुव। उसके बाद किसका परिभाषा दिए? वक्रता केंद्र। उसके बाद किसका परिभाषा दिए? वक्रता त्रिज्या। इसके बाद से मुख्य अक्ष, और इसमें से एक लास्ट टॉपिक्स रह गया था जिसका नाम क्या है? दर्पण का द्वारक। तो हम ये डिफाइन कर देंगे दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के प्रकार, पूरा फुल डिटेल्स इसमें देंगे। एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि प्रतिबिंब के बारे में नहीं समझोगे तो हमें प्रकाश के परावर्तन में सारा प्रतिबिंब भी सीखना ही है। प्रतिबिंब बनाना है, वस्तु की स्थिति जहां रहेगी उस स्थिति के हिसाब से हमें प्रतिबिंब बनाने हैं। तो इस वजह से इसको पूरा फुल कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो मैं सबसे पहले किसको डिफाइन करने जा रहा हूं? दर्पण का द्वारक। ये देख लो, मान लो हमारे पास ये जो दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है बताओ भाई? कौन सा दर्पण है? देख लो, ये अवतल दर्पण है। क्या पॉलिश लगी है इसमें? तो अभी ये कोई दर्पण नहीं है, सिर्फ ये कांच की एक प्लेट है। जब ही इस पे हम पॉलिश लगा देंगे तब इसका नाम क्या बनेगा? दर्पण। और जब तक पॉलिश नहीं लगा है ये कांच की क्या है? प्लेट है। तो कम से कम सोच समझ के बोलो। अब मैंने इसके पीछे ये क्या लगा दिया? पॉलिश। इसका मैं नाम रख देता हूं ये M1 और ये क्या है? M2। और ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है। इसके बाद एक यहां पे ये बना रहे हैं, ये कौन सा दर्पण है? हाँ, अभी ये कांच का टुकड़ा था, जब पॉलिश लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? दर्पण। अब समझदार हो रहे हो। ये M1 और ये क्या है? M2। और ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। बोलो, ये क्लियर हो गया? ये कौन सा दर्पण है बाबू? अवतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। बोलो, क्लियर हो गया? अब ये देखो, और जो ये अंदर वाला जो तल होता है ना, इस तल को हम दबे हुए तल, या अगर इससे देख लो भाई, अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है। तो जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, अर्थात जिस तल से किरणें टकराकर वापस जाती हैं, उस तल का नाम होता है परावर्तक तल। क्या नाम होता है भाई? परावर्तक तल। तो ये अंदर वाला जो ये तल है ना, ये इसका कौन सा तल है? परावर्तक तल। क्लियर दिख रहा है? ये परावर्तक तल है, और इसमें ये बाहर वाला क्या है? परावर्तक तल। और मान लो ये परावर्तक तल हमारा ऐसे है ना भाई, तो अगर मैं पूछूं कि इस परावर्तक तल का व्यास क्या है, ये, तो ये हम परावर्तक तल का क्या ले लेंगे? व्यास। मान लो अगर ये लाइन इस गोलीय दर्पण के केंद्र से होकर के जा रहा है, आ रहा है मेरी बात समझ में? केंद्र को मैं नहीं रिप्रेजेंट किया हूं, अगर ये केंद्र से होकर जा रहा है तो ये इसका क्या है? व्यास है। किसका व्यास है? परावर्तक तल का। ये क्या है? व्यास है। यानी ये दर्पण है, ये इसका परावर्तक तल है, और ये वाला इसका क्या है? व्यास है। और इसी व्यास का नाम क्या है? दर्पण का द्वारक। तो बोलो, दर्पण के द्वारक का क्या परिभाषा दोगे? सिंपल ऐसे डेफिनेशन देंगे, हम बोलेंगे दर्पण के परावर्तक तल के। सुन रहे हो मेरी बातें? एकदम ध्यान से सुनते चलो, वह भी पूरी कंसंट्रेशन के साथ। क्या बोलेंगे हम? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। बोलो, निकल गया परिभाषा? कोई प्रॉब्लम है? मैं बोला हूँ टोटली फिजिक्स तुम्हें याद करा देंगे, लेकिन कंसंट्रेशन में रह के पढ़ना पड़ेगा।
क्या डेफिनेशन देंगे हम? ऐसे बोलेंगे, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। बोलो, बोलोगे परिभाषा है? क्या बोलोगे? हाँ, क्लियर हो गया। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इन द्वारक का कोई नाम रख दे। इस द्वारक का नाम क्या है? M1, और ये क्या है? M2। इसका मतलब कि चित्र में M1 M2 दर्पण का क्या है? द्वारक है। बोलो, क्लियर हो गया। यानी दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, और चित्र में M1 M2 क्या है? दर्पण का द्वारक है। बोलो, लिख लोगे अपने मन से? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, लिख लो फटाफट। प्रतिबिंब, अब ये सुन लो, प्रतिबिंब क्या है ये देख लो। इसमें मैक्सिमम लोग, सभी बच्चे बाइक चलाते हैं। बोलो, चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? ए बोलो यार, आवाज है तुम लोग के अंदर? बाइक आप चलाते हो तो आप देखना, साइड में मिरर लगा होता है, देखे हो आप? ये बताओ, जब कोई गाड़ी आता है तो उस मिरर में दिखता है, उसकी आकृति मिरर में दिखती है, उस आकृति को क्या नाम दोगे? क्या नाम दोगे उसका? प्रतिबिंब, उसकी इमेज। ऐसा नहीं भाई, हमारे पास जो मिरर है उस वस्तु का प्रतिबिंब अपने अंदर बना के रखा है। तुम मेरे को दिखाई दे रहे हो तो ऐसा नहीं तुम मेरे आंखों में घुस गए हो। तुम्हारा प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पे बन रहा है, और रेटिना उस प्रतिबिंब के रूप रंग और आकार का ज्ञान हमारे मस्तिष्क में पहुंचा रहा है, और मस्तिष्क अनुभव के आधार पे तुम्हें सीधा दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें देख रहा हूं तो तुम हमारे दिमाग में घुस गया हो। तुम शीशे के सामने खड़े होते हो, दर्पण के सामने खड़े होते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप दर्पण में घुस जाते हो। बोला भाई, आप दर्पण के सामने खड़े होते हो और आपकी पूरा प्रतिबिंब दर्पण में दिखने लगती है, आपके पूरे शरीर की आकारिक दर्पण में दिखने लगती है। तो ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति दर्पण में घुस गया, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति का दर्पण में जो आकार दिखता है ना, फिजिक्स में उस आकार का नाम है प्रतिबिंब, इमेज। क्या नाम है बाबू? प्रतिबिंब। ये दो तरह के होते हैं यार, ये प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक आभासी होता है और दूसरा क्या होता है? वास्तविक होता है। अब प्रश्न ये है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में डिफरेंट क्या होता है? तो देख लो, जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ना, उनको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्या हमारी बात समझ में आ रहा है? अब कहोगे, वास्तविक प्रतिबिंब तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा देखने को मिलता है, आभासी कहाँ देखने को मिलेगा? आभासी प्रतिबिंब कहाँ देखने को मिलेगा? बोलो भाई, ये सुन लो, मान लो कोई तालाब है, उस तालाब के किनारे कोई पेड़ है, तो आप पानी में देखना लगेगा पेड़ उल्टा पानी में दिखता है, देखे हो ऐसा? वह उस पेड़ का आभासी प्रतिबिंब है। क्या है बाबू? आभासी प्रतिबिंब। क्या हमारी बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जो भी प्रतिबिंब है, उन पूरी प्रतिबिंबों का हम पूरी डिटेल्स उसका डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहले ये सुन लो, अपनी साधारण लैंग्वेज में कोई व्यक्ति पूछे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आ रहा है मेरी बात समझ में? तो प्रतिबिंब का सिंपल परिभाषा दोगे, मान लो ये कोई चाक एक वस्तु है। क्या है बाबू? एक वस्तु। और समझ लो ये कापी एक दर्पण है। क्या है बाबू? ये दर्पण। चाक क्या है? वस्तु। और कापी क्या है? दोबारा सुनो, चाक क्या है और ये कापी? तो ये इमेजिन करो कि ये वस्तु है और ये दर्पण के सामने रखी गई, तो बोलो इस वस्तु का आकार दर्पण में दिखने लगेगा ना? बोलो भाई, यानी जब किसी भी वस्तु को दर्पण के सामने रखी जाती है तो इस दर्पण में इस वस्तु की आकृति दिखने लगती है। बोलो ना यार, और उसी आकृति को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रतिबिंब। यानी हम ही जाके दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारी आकृति दर्पण में दिखती है ना, उसी आकृति का नाम क्या है? प्रतिबिंब है। बोलो, क्लियर हो रहा है? अभी आप जाओ मोटरसाइकिल में जो साइड मिरर लगा है, उस मिरर के सामने आप खड़े हो जाओ, देखो आपका पूरा आकार, आपको मतलब मुंह अगर पड़ेगा तो मुंह का आकार दिखने लगेगा। तो ऐसा नहीं ना कि कट के उसके अंदर घुस गया, नहीं भाई, उसमें जो आकार दिख रहा है उसी आकार का नाम क्या रखा गया? प्रतिबिंब। दाढ़ी बनवाने के लिए जाते हो आप, तो आप देखना जो आपके सामने दर्पण रखा गया होता है उसमें आपकी आकार दिखती है, उस आकार का नाम क्या है? प्रतिबिंब। ठीक है, बच्चियां नहीं दाढ़ी बनवाने जाती हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हो? बोले भाई, जाते हो कि नहीं जाते हो?
तो उसमें भी जो आकार दिखता है, दर्पण के सामने खड़े होगे तो तुम्हारा आकार आकृति दिखेगा ना, तो वह भी क्या चीज है, प्रतिबिंबी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगर सिंपल भाषा में कोई प्रतिबिंब का विदाउट किरण आरेख, बिना किरण आरेख की सहायता से ही अगर कोई प्रतिबिंब पूछ रहा है, उनको अगर सिंपल भाषा में समझाना हो तो बिल्कुल आराम से समझा दोगे। बोलोगे जब किसी भी वस्तु को दर्पण के सामने रखी जाती है तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति दिखने लगती है, उसी आकृति का नाम क्या है, प्रतिबिंब। बोलो क्लियर हो गया, क्या बोलोगे? जब किसी भी वस्तु को दर्पण के सामने रखी जाती है तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति दिखने लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। बोलो क्लियर हो गया, सिंपल भाषा में किसी को संतुष्ट कर सकते हैं ऐसे बता के? ए बोलो यार, नहीं होगा तो उनको प्यारा सा शीशा लेके आना, दर्पण उनके मुंह के सामने रखना, कहना आपकी चेहरा उसमें दिख रहा है, बोलेंगे हाँ, तो बोलना वही प्रतिबिंब है, आप अंदर घुसे नहीं हो। अरे मेरी बात समझ में, ये सिंपल लैंग्वेज में आप समझा देना, क्यों वकार, वैसे तुम्हारा इमेज उसमें कवर कर भी नहीं सकता। हाँ चलो भाई, इसमें अब हम बात करेंगे, चूंकि किरण आरेख पे आधारित डेफिनेशन लिखेंगे ना, ये तो हमारी बोलचाल की लैंग्वेज में है कि किसी को समझाना हो तो ऐसी भाषाओं में हम समझा सकते हैं। अब एक्चुअल में किरण आरेख की सहायता से प्रतिबिंब को कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है, इसके लिए मैं दोनों दर्पण बनाऊंगा, अवतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण भी, और उसकी एक एक लैंग्वेज फिट करेंगे और सभी को जोड़ के आप डेफिनेशन निकालोगे। क्या मेरी बात समझ में आया? इसके लिए देखो क्या कर रहे हैं हम, मान लो मैं किसका परिभाषा देने जा रहा हूं, प्रतिबिंब का, ये प्रतिबिंब यानी इमेज, ये मान लो पहले ये मेरे पास एक ये अवतल दर्पण है, क्या है बाबू, ये अवतल दर्पण, थोड़ा सा और बड़ा कर दे, ये बड़ा कर देना, इस दर्पण का नाम बोलना जरा, अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ओके नीचे लिख दे रहे हैं, ये अवतल दर्पण, इधर दोनों को एक साथ लेके चलना है, इसको बोलना जरा, आंख रहते हुए अंधे जैसा काम करो तो समझ लो तुम्हें अकबर के दरबार में होना चाहिए। भाई अभी मैं पॉलिश किया हूँ इस पे, तो भाई ये दर्पण है कि शीशा है, ये नॉर्मल शीशा है, एक तरफ देखो दूसरे तरफ दिखेगा, आ रहा है मेरी बात समझ में? जैसे बचपन में जब बारात आता था तो जब बाराती, अभी मान लो दूल्हे की गाड़ी अगर आती थी तो दूल्हा अंदर रहते तो बाहर से ही तुम देखते थे, तो जो मारुति में शीशे वगैरह लगे रहते हैं ना, वह कांच है, वह दर्पण नहीं है, लेकिन वही उसके एक तरफ पॉलिश कर दोगे तो क्या बन जाएगा, दर्पण। किस चीज का पॉलिश करोगे, हाँ, या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का, ओके, ऐसे ये हो गया M1, ये क्या है M2, बोलना अब जरा, यहां भी नामिंग कल्चर कर रहे हैं इसका M1, और ये क्या है M2, बोलो ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, और ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अब देखो यहां पे एक वस्तु है, बोलना जरा, ये क्या है बाबू, वस्तु, ये वस्तु, ठीक है, इससे ये चलने वाली क्या है, किरण, ये भी लिख रहे हैं, भाई एक किरण चलेगी तो किरण बोलोगे, लेकिन बहुत सारे किरण चलने लगी तो उसको क्या बोलोगे, किरण है, तो भाई इस पे भी तो मान लो यहां पे ये वस्तु है, एकदम आराम से परिभाषा देंगे, ये क्या है बाबू, वस्तु, इस वस्तु से ये चलने वाले क्या है, किरण है। किरणें,
जब ये यहाँ से ये टकरा के वापस लौटेगी तो इस घटना का नाम रखा गया है प्रकाश का परावर्तन। क्या मैंने आपको ये चीजें याद कराया? क्लियर है ये? यानी यहाँ पे कौन सी घटना होती है भाई? परावर्तन की। क्या होती है? परावर्तन। तो मैं लिख दे रहा हूं परावर्तन के पश्चात। यहां से भी ये किरणें क्या होंगे? ऐसे टकरा के इस तरह से वापस लौट जाएंगे। यहां भी तो परावर्तन हुआ है, तो यहां पे भी कौन सी घटना संपन्न होगी? परावर्तन की। तो लिख दे रहा है परावर्तन के पश्चात। ये ठीक है। मान लो वस्तु है तो क्या वस्तु से एक ही किरण चलेगी? अगर एक किरण चलती तो एक आदमी के व्यक्ति एक व्यक्ति के आंख में प्रवेश करती तो एक ही व्यक्ति को वस्तु दिखाई देता। क्या ये सबको दिखता? बोलो ना यार। तो इसका मतलब वस्तु से इनफाइनाइट किरणें चलती हैं, इसलिए जितने भी लोग वहां उपस्थित होंगे उन सभी लोगों के आंख में किरण प्रवेश करेगा और सबको ये दिखाई देगा। क्यों भाई? तो हम यहां एक सिर्फ किरण दिखाए, ये आपको इमेजिन करना है कि इससे बहुत सारी किरणें चल रही होंगी। ठीक है। तो मान लो यहां से ये किरण ऐसे भी आ रही होगी, ये भी, तो ये भी तो टकरा के ऐसे वापस जाती होगी ऐसे। मान लो यहां से भी किरणें ऐसे आ रही होंगी और टकरा के ऐसे वापस जा रही होंगी। समझ में आ रहा है मेरी बातें? ये बोलो यार। मान लो इधर कोई व्यक्ति है, सपोज करो यहाँ पे कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के आंख में ये किरण ऐसे प्रवेश करेगा तो वह व्यक्ति ऐसे टेढ़ा देखेगा। ये बोलो यार। वह व्यक्ति तो ऐसे सीधा देखेगा ना, तो जब वह सीधा देखेगा तो इस व्यक्ति को लगेगा किरणें इधर कहीं से आ रही हैं। समझ में आ रहा है मेरी बातें? ऐसे इधर कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा होगा और इस व्यक्ति के आंख में ये किरणें आके प्रवेश करेंगी तो ये व्यक्ति ऐसे टेढ़ा नहीं ना देखेगा भाई, ये व्यक्ति तो क्या करेगा? सीधा देखेगा, तो लगेगा इधर कहीं से किरणें आ रही हैं। बोलो, क्लियर हो गया? ए बोलो यार। तो सिर्फ जितना मैं भाषा लिखा हूं सिर्फ इतना बोलना। एक चीज और ध्यान देना, ये पॉइंट जो तुम्हारे आंखों के सामने दिख रहा है ना, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे थोड़ा सा गौर करना। हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो ये मिल रहा है, यहां ये दिखाई दे रहा है कि इस बिंदु पर जो आपको ये लिख दे रहे हैं, ये बिंदु आपको दिख रहा है ना, इस बिंदु पर किरणें वास्तव में मिलती हैं यहां पे। मिल रहा है ना भाई? यहां पे किरणें देखो वास्तव में क्या होती हैं, मिलती हैं। सुनते रहना, यहां पे किरण नहीं दिख रहे हो, वास्तव में आके मिल रही हैं। और यहां पे क्या दिख रहा है बाबू? मिलती हुई प्रतीत हो रही है। क्यों जी? या ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाया है ना, यानी यहां पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन ये वाली यहां पे ये किरणें क्या होती हैं? मिलती हैं। तो जिस भी बिंदु पर किरणें या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम इस वस्तु का क्या कहते हैं बाबू? प्रतिबिंब। यानी इसी पॉइंट को हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब और लिखते किससे हैं? आई से। किससे लिखते हैं बाबू? यानी यही जो पॉइंट है ये वस्तु का क्या है? प्रतिबिंब है। और लिखते किससे हैं? आई से। यानी सबसे पहले अब परिभाषा जोड़ो, ये वस्तु है। अब बिल्कुल सीधा बैठ जाओ पूरी कंसंट्रेशन के साथ, ऐसा नहीं हो कि तुम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि निष्क्रिय हो गया हो यार तुम। ये मान लो ये वस्तु है और इस वस्तु से ये चलने वाली क्या है? किरणें हैं और यहां से टकरा के वापस आ रही है तो बोल रहे हैं परावर्तन के पश्चात। अब इतना एक साथ जोड़ के आओ, बोलेंगे किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात। बोलो इतना याद हुआ कि नहीं हुआ? फिजिक्स है बाबू, जो इसमें वर्क होता है उसको सिस्टमेटिक करके लिख दो, डेफिनेशन निकल जाएंगे। क्या बोलेंगे हम? किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात। बोलो याद हो गया? सिंपल, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें
परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, इस बिंदु पर मिल रही है ना भाई, तो लिखेंगे जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। एक बार और सुन लो, क्या कोई बता सकता है अपने मन से? इतना याद हो गया, इतना है? ओके रुक जाओ, एक बार और क्लियर करना है इसको। क्या बोलोगे देख लो, ऐसे बोलेंगे हम किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बैठ जाओ तुम, दोबारा सुन लो, क्या डेफिनेशन देंगे हम? किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? लिख लोगे अपने मन से? फिर लिखो। बिंब के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इमेज। यानी प्रतिबिंब के प्रकार। अब देखो प्रतिबिंब, आपसे कोई पूछे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बोलोगे? प्रतिबिंब मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। पहले का अगर नाम पूछेगा तो आप सिंपल जवाब दोगे वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरे का नाम क्या है? आभासी प्रतिबिंब। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या है? आभासी प्रतिबिंब। डिफरेंट क्या है यार? वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में डिफरेंट, सबसे बड़ा डिफरेंट ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में मिलती हैं और आभासी प्रतिबिंब में किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये डिफरेंस होता है वास्तविक और आभासी में। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आप देखो ना, इस बिंदु पे हम देख रहे हैं ये किरणें वास्तव में आके मिल रही है ना भाई? बोलो यार, इस बिंदु पे किरणें क्या होती हैं? वास्तव में मिलती हैं। क्या होती है बाबू? वास्तव में मिलती है। और इस बिंदु पर किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, तो परिभाषा निकल गया यार। सिंपल बोलेंगे पहले वास्तविक प्रतिबिंब का, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब का क्या परिभाषा देंगे, ये सुनते रहो, ध्यान दो। इधर देखो, बोलेंगे किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, इतना तो पहले वाला ही चल रहा है अभी, बोलेंगे किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। क्या सुन रहे हैं मेरी बातें? बोलेंगे किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? कोई प्रॉब्लम है? क्या परिभाषा दोगे? किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। इस बेस पे आभासी प्रतिबिंब का क्या परिभाषा दोगे? सिंपल, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? एक बार और ये सुन लो, उसके बाद अपने मन से लिखना। सुन लो क्या परिभाषा दोगे? किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात
जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है ना, बोलेंगे जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। लास्ट टाइम बोल रहे हैं, इसके बाद स्वयं लिख लोगे। किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। पहले सुन लो, पहले हेडिंग बनाओगे वास्तविक प्रतिबिंब, सुन लो, और वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा लिख के ये फिगर बनाओगे। उसके बाद हेडिंग बनाओगे आभासी प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा लिख के ये फिगर बनाओगे। बोलो क्लियर है? तो फिर लिख लो।